अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। महारानी से अपना मुकाबला करा ऐसे प्रत्याशी आदरणीय है प्रदीप चौधरी जी। 70 सालों में आज विश्व में अपनी बुलंदियों पर है वो कांग्रेस की नींव है और कांग्रेस ही ने देश को आगे बढ़ाया है। आज बोले कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? देश में लोकतंत्र के लिए काला अध्याय जो लिखा है इस संसद सत्र ने, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान किया गया। पूरे देश में हर जिला स्तर पर आज इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जहाँ 143 सांसद सदन से बाहर कर दिए जाएँ। क्या सांसद को बोलने के लिए संसद उपलब्ध नहीं है? सांसद चुना क्यों जाता है? लोकतंत्र का असली मकसद ये है कि सांसद अपनी बात रखता है, अगर आपको पसंद नहीं आती तो ना करें, बहुमत आपके पास है, पर सांसद को बोलने तो दिया जाए। अगर सांसद अपनी चूक अगर हुई आपसे, लोग संसद में कोई घुस जाता है, स्मोक बम अगर छोड़ देता है, उसके बाद अगर उसको बोला जाता है उसके ऊपर, अपनी चूक की गलती को स्वीकार न करते हुए उल्टा ही सांसद को बाहर कर दिया जाता है। और एक दो सांसद नहीं, 143 सांसद अगर देश में बाहर कर दिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। तानाशाही की ओर बढ़ते हुए कदम मोदी जी के हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इठला लें इतरा लें, पर लोकतंत्र में इसकी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, सुनने की क्षमता भी मोदी जी को होना चाहिए।